बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। बारिश जो है हल्की हल्की शुरू हुई थी, अभी तेज़ हो गई है। मेरा बिस्तर जो है अभी ऊपर ही है, मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि क्या लेके जाता हूँ सुबह फिर शाम को लेके आता हूँ, तो इससे बेहतर ऊपर ही रहने देता हूँ। आप कह सकते हैं कि हड हरामी सुस्ती, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। अभी नए घर था मैं, बारिश आना शुरू हो गई, मैं भागा भागा आया हूँ। अभी इसे नीचे लेके चलते हैं। आज ही 29वां रोज़ है, सुबह ईद है, परसों ईद है, परसों होगी कोई पता नहीं चलता, आज शाम को ही ऐलान हो जाएगी जी 29 रोज़े होंगे और सुबह ईद है, कन्फर्म आज ही होगा। अभी हम बाल कटवाने के लिए जा रहे हैं, 12:01 का टाइम हो रहा है। अभी ना हमाम पे बहुत ज़्यादा रश होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, मुझे जो लगता है वहाँ पर जाके ये ना हो गए, एक बंदा भी ना हो आगे। बट ईद आ गई है ना, तो अभी सभी लोग बाल कटवाने के लिए भागेंगे। मैं, अहमद और सकलैन जा रहे हैं अभी। ये जी लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मिट्टी डाल रहे हैं। धूप और बारिश, वाह जी वाह, क्या बात है। ऊपर देखे कितना प्यारा आसमान हुआ हुआ है, सुभान अल्लाह। मैंने और सकलैन भाई ने प्लान बनाया हुआ था कि हम ना 7-8 बजे जाके हमाम के आगे बैठ जाएंगे, जब दुकान खुलेगी ना तब जल्दी जल्दी बाल कटवा के आ जाएंगे, लेकिन बस वो प्लान ही था 7-8 का प्लान बना था और अब 12-1 बजे जा रहे हैं। वाह क्या प्लानिंग है हमारी। हम जी परफेक्ट टाइम पे आए हैं, दुकान में इतना ज़्यादा भी रश नहीं है। अहमद को नींद आना शुरू हो गई हुई थी, ये सीट ही कुछ ऐसी है, कोई भी यहाँ पे बैठता है ना तो उसे नींद आना शुरू हो जाती है। एक तो सीट में कमाल है और एक नफासत भाई के हाथ में कमाल है। नहीं नहीं ये जी मेरी जान की कटिंग हो चुकी है। नफासत भाई जो है पहले अहमद के ना साइडों से बाल बारीक नहीं करते थे, आज बारीक किए हैं, खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। अभी जी हमारी बारी आ गई है, क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, बाल लगे हुए हैं ना तो उसे अजीब सा फील हो रहा है। फिर सखावत भाई मेरे मुंह से निकलने लगा। सखावत भाई जो है घर पेंट कर रहे हैं, उनका नाम है, तो नफासत सखावत मिक्स हो जाता है मुझसे, तो आज मैंने तीसरी दफ़ा नफासत भाई को सखावत भाई बोल लिया है। बाल हो गए हैं जी। सकलैन भाई चले, अभी जैसे जैसे शाम होती जाएगी ना, अभी दो हुए हैं, जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे रश बढ़ता जाएगा। क्यों सखावत भाई, नफासत भाई? बाल वगैरह कटवा के मैं तो तैयार हो गया हूँ जी, बस अब मेरे कपड़े जो हैं वो ज़ाहद भाई तैयार कर दें। उन्होंने कहा था कि 29 रोज़े हुए तो माल रहता है, कपड़े सिलाई नहीं कर पाऊँगा मैं, अगर 30 हुए तो फिर हो जाएंगे, तो अभी कन्फर्म नहीं है 30 होंगे कि 29 होंगे। काली रात है, ऊपर बादल गरज रहे हैं और लाइट भी जा चुकी है। अक्सर छोटी ईद पे ना बारिश होती है, तो मुझे तो लग रहा है कि सुबह ईद हो जाएगी। बाकी अभी इशा की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के टाइम पता चलेगा कि सुबह ईद है कि नहीं है। लास्ट टाइम जो है बहुत लेट पता चला था, रात के 10-10:30 बजे जाके पता चला था कि सुबह ईद है। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। अभी जी इस साल की आखिरी तरावियाँ पढ़ के निकले हैं सब। ईद 13 तारीख को नहीं होगी, 14 को होगी। ये सुन के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और नमाज़ पढ़ते पढ़ते ही बारिश जो है ना बहुत तेज़ हो गई और मौसम जो है ना माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हो गया। सुबह ईद है, सुबह ईद नहीं है। अभी जब नमाज़ पढ़ने गए थे तो रास्ता ठीक था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया होगा, अगर ऐसी थोड़ी देर में बारिश होती रही यहाँ से गुजरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कच्चा रास्ता है ना। अल्लाह अकबर, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बादल गरज रहे हैं, पहले बिजली फिर बाद में गरजने की आवाज़ आती है, क्योंकि लाइट की स्पीड तेज़ होती है नस्बत आवाज़ के। ये देखा, आवाज़ कुछ सेकेंड्स बाद आती है लेकिन लाइट पहले आ जाती है। मुझे ऐसे सरप्राइज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ जी जी,
अभी कोई 11:30 के करीब करीब टाइम है, लाइट नहीं है, यूपीएस की बैटरी। अबू जी 11:30, हाँ जी, आंख लगी है मेरी, मुझे लगा है कि कोई ख्वाब है, कि ख्वाब में कोई ऐलान कर रहा है कि सुबह ईद होगी, फिर मुझे मेरी आंख खुली है और मैं भाग के बाहर आया हूँ तो पता चला है कि सुबह ईद है। असल में पता नहीं चल सका ना, गाँव में लाइट ना होने की वजह से नेट भी नहीं चल रहा, तो उस वजह से फिर टाइम पे पता आई थिंक नहीं चल पाया, और सर्विस तो आती नहीं है हमारे यहाँ। आपको भी सरप्राइज़ मिला कि सुबह ईद है मेरी तरह के नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी ईद की तैयारी मुकम्मल थी कि नहीं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे कपड़े जो हैं वो रह गए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बाल बहुत परफेक्ट टाइम पे जो है ना वो कटवा लिए हैं। ये जो लाइट्स ऑन नज़र आ रही है ना, ये हमारे गांव की कब्रिस्तान है, तो यहाँ पे रात के 12 बजे लड़के गए हुए हैं जो इत्काफ पे बैठे हुए थे ना वो। ये जी आज चीज़ें सेट की हैं, मैं नए घर आया हूँ, अपना कैमरा मुझे लेके जाना है, और क्या लेना है मुझे, बैटरी चाहिए, गोप्रो नहीं चाहिए, मतलब एक्शन कैमरा, और मुझे चार्जर ये वाला चाहिए। अभी उठ के मैंने देखा पुराने घर में भी यूपीएस है, तो मैंने उठ के देखा कि वो चार्ज है कि नहीं, अगर वो है तो मेरे कैमरे की बैटरी लो है तो मैं चार्ज कर लूँ, मेरे मोबाइल की बैटरी लो है मैं चार्ज कर लूँ। तो एक और सरप्राइज़ मिला कि चल रहा है यूपीएस फ़िलहाल, बस 1-1.5 घंटा चल जाए वो ही मेरे लिए बहुत बहुत है। सुबह तक मुझे लगता नहीं है कि लाइट आएगी, मेरे पास ये गैजेट्स जो है ना चार्ज हो जाएँ, बल्कि ये चाहता हूँ तो अभी फटाफट से निकलते हैं घर। ईद मुबारक, और ये कैसे मुमकिन है कि छोटी ईद हो और बारिश ना हो, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, थोड़ी देर पहले थोड़ी तेज़ हो रही थी लेकिन अभी सूरज ने निकलने की कोशिश की है, लेकिन आगे बादल फिर से आ गए हैं कि नहीं भाई साहब आज आप पीछे ही रहो। और लाइट आ गई थी, अपने कपड़े इस्त्री हो गए, नए नई सिलाई हो पाए तो क्या कर सकते हैं, ये भी एकदम नए हैं, मैंने कुछ मिनट्स के लिए इससे पहले ये पहने थे तो उसके बाद रख दिए हुए थे तो आज निकाले हैं। आ जाए, वाह माशाल्लाह। अभी टाइम है जी 1.25 घंटा रहता है, बिलाल साहब तैयार हो गए हैं, अहमद उठा था फिर से सो गया हुआ है, और अबू जर कह रहा है कि मैं खाना खा के तैयार होऊंगा, और बाकी बच्चे भी सिस्टर्स आई हुई हैं उनके बच्चे भी अभी तैयार हो रहे हैं, आज सबसे पहले लड़का तैयार हुआ है। और बिलाल कहाँ भागे जा रहे हो, इधर तो आओ, चलते हैं थोड़ी देर में। और हज़ाफ़ा कितनी ईदी लेनी है फिर मामू से? 500। बस आप तो सस्ते में ही निपट गए हो यार। बड़ा सबसे यही है, जितने भी बच्चे हैं अभी घर में तो 500 में ये निपट गया, बाकियों को तो ऐसे निपटा देंगे हम। और मज़े की बात बताऊं कि मेरे पास ना 1 रुपया भी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई पता नहीं था कि आज ईद हो जाएगी, तो इसलिए कोई पैसा नहीं है अपने पास जो बच्चों को देना है, पहले हम ईदी लेंगे सबसे फिर आगे ईदी देंगे, यही है। अभी मेरी जेब में 1000 रुपया जो कि अभी मस्जिद में देना है, इसके अलावा अपनी जेब में खाली है जी। ये पैसे दें आगे जाके। बुजुर्ग साहिब आप लेट हो गए हैं, ईद मुबारक सर। खैर मुबारक, एडवांस में भी ले लेनी चाहिए ना।
आप सबको भी ईद मुबारक 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 मुबारक। मौसम ईद मुबारक दुनिया से बाहर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आज के दिन कोरोना की छुट्टी है जी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ठंड मेरी सारे किधर है? जिस रास्ते से आप आते हैं ना ईद की नमाज पढ़ने के लिए वापस उस रास्ते से नहीं जाना, दूसरे रास्ते से जाना है। तो हमें अभी गाँव घूम के जाना पड़ेगा, तो आ जाए। क्या ले ठीक हो ईदी? देखे ईदी इकट्ठी करेंगे तो बच्चों को देंगे ना। वो बड़े नोट निकाले बड़े लड़के। तो आप आपने भी तो ईदी देनी है ना। हाँ, अबू जान का वॉलेट वाटर प्रूफ माशाल्लाह। नहीं आप देंगे, मैं नहीं लूंगा। वाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। देखते हैं फिर उनको ही जाने हैं मैंने क्या कर रहे हैं। देखें ओए 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 एक दो तीन चाचू से पैसे देने हैं ठीक है। 5,000 देखे लगे हाथ आ जाए। आमीन आमीन। आजा आजा सर। आपने भी दुआ नहीं मांगी, आ जाए। चाचू को कब ईदी मिले और फिर चाचू हमें दें जी। छोटे चाचू हैं, छोटे मामू हैं। वैसे वैसे जा रही है, बुक है पहले से ही। फातिमा माशाल्लाह। फातिमा बात तो सुने, कितनी लेनी है ईदी फिर आपने? है? ले ली हुई है। इतने अच्छे बच्चे हैं हमारे। वो नहीं लेनी, चाचू से तो ले लो। चाचू से भी लेते हैं ना। ले लो बस। सही है, ये अच्छा किया। हमारे बच्चे इधर 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 आप भी ले लें दी जनाब। ये नहीं फिर आप ठीक है पॉकेट में डालें। भाई बशर माशाल्लाह माशाल्लाह दीदी लेके आ जाए आ जाए। ओए 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 देखे माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अभी तो हजार हजार भी मैं बांटू बच्चों को तो पूरे हो जाएंगे। सर कितनी ईदी लेंगे बताएं? ले तो लिया, अभी बांटने का टाइम है। ले लिया मैंने अभी। तो मुझसे भी लेनी है ना, मैं भी तो आपका मामू लगता हूँ ना, छोटा मामू। बताएं टेल मी। अभी नहीं कैमरे के सामने नहीं आप कैमरे के सामने बताएं कितनी लेंगे सर? आपको बताएं। देखें पैसे देने को किसी का दिल करता है। रमजान खत्म हो गया जी, अभी हम दिन को खा सकते हैं। कोई 29 दिनों बाद हम दिन को खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए बिलाल सुनिया। यस और सुबह मैंने कुछ नहीं खाया होगा, मेरा गला खराब है, मैंने सिर्फ शरबत पिया। गया जी मुझे जो ईदी मिली है वो सारे बड़े नोट हैं और बच्चे बड़े नोटों में माशाल्लाह।
छोटे नोट हो गए, छोटे और भी पांच छोटे अगर मैं ना देता हमारे बच्चों को आज ईद ही नहीं मिलनी थी। मैं नहीं मिल रही यार, वैसे भी मेरे पास पड़े हुए थे ना, मैं ले आया। हाय हाय मैं भाई काशिफ के पास आया था कि कुछ छुट्टा दे मुझे, बच्चों को ईद नहीं है। भाई काशिफ आगे नोट पकड़ के खड़े हैं कि कुछ छुट्टे हैं तो बताएं। अब मौके तो आए नहीं जी, परोड़े पता नहीं लगा 500 नोट लाके सीधे आ गए। रखो कोई नहीं, बात सही ठीक हो गया जी। मुझे 500 के नोट मिल गए, थैंक यू भाई काशिफ। मेरे दिल के टोटे की पहली ईद आज माशाल्लाह। आप कभी जब बड़े होगे, आप मेरी वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा आपने आपको चाचू ने ईद दी थी। ये ले, ये पकड़ लिए है जी बरीदा। अब अगर आपकी हो गई मेहानी, ये आपकी ईदी है ठीक है। और कहाँ बच्चे हैं हमारे? मैं और तैयब जी जा रहे हैं साथ वाले गांव काम। और ताया जी ईद मुबारक। ईद मुबारक, की हाल है? ठीक ठाक। और सारे मामला सेट? बिल्कुल ठीक ठाक है, तुम ही सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला। तो जी अभी हम साथ वाले गांव जा रहे हैं, तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़ को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।